जर्मा एसएससी में आपका स्वागत है। देखते हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 6.1। तो पहला सवाल कह रहा है, कोष्ठकों में दिए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थान को भरिए। यहाँ जो कोष्ठक में दिए हैं उनको भरना है सही शब्द। तो लिखा है सभी व्रत होते हैं। तो देखिए सभी व्रत क्या होते हैं, सर्वांगसम या समरूप। तो सबसे पहले जान लेते हैं सर्वांगसम क्या होता है और समरूप क्या होता है। तो देखिए सर्वांगसम क्या होता है, जिससे सर्व मतलब सभी अंग, समान बराबर, जिसके सभी अंग समान बराबर हों उसे कहते हैं सर्वांगसम। और समरूप क्या होता है, जिसको फिगर यानी देखने में समान हो, सेम हो, यानी उनकी भुजाएं अनुपात में हो और कोण समान हो, तब तो क्या उसे क्या कहते हैं समरूप। देखिए पहले डिफरेंस समझिए अच्छे से, जिससे मान लेते हैं ये एक व्रत है, ठीक, और ये भी एक व्रत है। अब अगर इसका इसकी त्रिज्या या इसका अंग या इसकी परिधि अगर बिल्कुल सेम टू सेम है, इसका मतलब अगर इस व्रत को इसके ऊपर उठा कर रखे तो ये सेम टू सेम इसको ढक ले, तो उसे कहते हैं सर्वांगसम। और समरूप क्या होता है, जिसका रूप समान हो, जैसे ये है व्रत और एक ये है, तो ये ना ये इसको ढक लेगा, ये तो मान लो ये छोटा व्रत को अगर इसके ऊपर रखे तो क्या ढक लेगा, पूर्ण रूप से नहीं, लेकिन रूप यानी इसका रूप समान है। सम मीन्स समान, रूप, जिसका रूप समान हो उसे कहते हैं समरूप। तो यहाँ पर कह रहा है सभी व्रत होते हैं, आप कितने भी व्रत बना लो, ठीक, तो ये क्या होता है, इनका अंग समान होता है या समरूप होते हैं, ये समरूप होते हैं, इनका रूप सिर्फ समान होता है। यानी रूप क्या, 360 अंश का कोण होता है टोटल, सब में 360 अंश का होता है, ठीक, और त्रिज्या इसकी चेंज होगी बार बार, और सर्वांगसम तो नहीं होगा क्योंकि इसके ऊपर अगर ये ढक रखते हैं, अगर बड़े वाले के ऊपर ये रखे तो क्या समान रूप से ढके या नहीं, ना इसके अंग समान है, तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं समरूप यहाँ पर भरा जाएगा। फिर अगला वाला कह रहा है सभी वर्ग होते हैं। अब जैसे यहाँ पर व्रत की बात चल रही थी, सेम उसी प्रकार वर्ग की बात कर रहा है। वर्ग क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो। तो देखिए वर्ग, ये हमारा वर्ग है और एक ये हमारा वर्ग है, जिसमें ये कोण 90 अंश का है, ठीक, ये 90-90 अंश के, हाँ। अब ये देखिए सर्वांगसम समरूप के बारे में बता चुके हैं, तो ये जो है समरूप है, यानी सभी वर्ग कितने भी वर्ग बने हो सकते हैं किसी भी साइज के, ठीक, तो ये जो होते हैं सर्वांगसम नहीं है। सर्वांगसम मतलब होता है कि सभी वर्गों के अंग क्या समान है, मतलब इसमें नहीं कि ये चारों बराबर होते, नहीं, जैसे इस वर्ग के और इस वर्ग की क्या भुजाएं बराबर हैं, देखिए इसकी भुजा कुछ है, इसकी भुजा कुछ है। और समरूप में क्या होता है, देखिए कोण इसके सारे सही हैं, ठीक, 90-90 हैं, और इनका भुजाएं जो होती हैं अनुपात में होते हैं, अगर ये 2 सेंटीमीटर का तो ये 2, 2, 2, और अगर ये 3 है तो फिर 3, 3, 3, इसे क्या कहते हैं समरूप। तो यहाँ लिखेंगे सभी वर्ग भी क्या होते हैं समरूप होते हैं, इनका रूप क्या होता है समान होता है। फिर कह रहा है सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। अब समरूप तो हमने बताया है कि जिसके कोण बराबर हो, ठीक, जिसके दोनों त्रिभुज हो या समरूप वर्ग हो या व्रत हो, जिसके सारे कोण बराबर हो और भुजाएं जो हो अनुपात में हो उसे समरूप कहते हैं। तो यहाँ पर ऑलरेडी कह दिया कि सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, लेकिन वो त्रिभुज कौन से होते हैं जो समरूप होते हैं, अच्छे से समझना। जिसे मान लेते हैं ये कोण बना है और इसकी भुजाएं हैं 60, 60, 60, और एक इससे बड़ा बना है और इसकी भी भुजाएं हैं 60, 60, 60। अब देखिए इसकी कोण तो बराबर है और इसकी भुजाएं भी, अगर कोण बराबर है तो इसकी भुजाएं भी अनुपात में होंगी, अगर ये 2 है ये 4 है, तो इसी प्रकार से 2, 2, तो ये 4 ही 4 होंगी, यानी अनुपात इनका हमेशा बराबर होगा, ठीक। और बात कर रहा सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। अब देखिए यहाँ पर विकल्प दिया है समबाहु और ये समद्विबाहु, तो समबाहु तो ये है हमारा, ठीक, इससे बड़ा भी हम बना सकते हैं, अगर ये 60 है तो ये 60 है, ये 60 है, तो इसे कहते हैं समबाहु त्रिभुज, ठीक। और समबाहु त्रिभुज जो होते हैं वो समरूप होते हैं, इनका रूप क्या होगा समान होगा, क्योंकि इनकी भुजाएं जो अनुपात में होती हैं और सारे कोण क्या होते हैं समान होते हैं। और यहाँ और जो समद्विबाहु है, देखिए समद्विबाहु में समझिए, समद्विबाहु में सिर्फ 2 भुजाएं बराबर होते हैं। अब वो कई टाइप के सवाल बन सकते हैं, देखिए ये मान लेते हैं 45 और ये 45 और ये 90, ठीक।
ठीक, तो ये एक संधिभाव है। और दूसरा संधिभाव हम इस प्रकार से बना सकते हैं, मान लो ये मान लो 120 अंश का कोण है, तो ये कितना बचा 30 और 30। अब इसमें भी ये दो भुजाएं बराबर है, लेकिन इसमें कोण बराबर नहीं है। देखिए 90 है, 120 है, 45 45 30 30, तो इसमें कोण समान नहीं है और भुजाएं भी अनुपात में नहीं है। इसीलिए यहाँ पर कह रहा है सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। वो त्रिभुज कौन से होते हैं? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज आप कोई भी बनाइए, वो सभी अनुपात में होंगे और कोण सारे क्या होंगे? बराबर होंगे, 60 60 60। आप कितना भी बड़ा त्रिभुज बना लो और उनकी भुजाएं अनुपात में होंगी। मान लो अगर ये 4 सेंटीमीटर है और ये 10 निकला, ठीक, तो इसमें सभी 4 4 हैं, तो ये भी सभी 10 10 निकलेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सभी समबाहु त्रिभुज। यहाँ पर क्या भरेंगे? समबाहु, ठीक। फिर कह रहा है चौथा पॉइंट, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज। अब समान संख्या वाला कह रहा है तो हम मान लो अगर कोई मान सकते हैं 4 भुजाएं, 5 भुजाएं, तो मान लो 5 भुजाएं माना हमने, तो समपंचभुज जब बनाते हैं तो ये भुजा बनाते हैं, फिर यहाँ पर 108 अंश का कोण बनाते हैं, फिर यहाँ पर 108 अंश का कोण और इतनी ही भुजा, ठीक, ये मान लेते हैं हम समपंचभुज बन गया। तो कह रहा है भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज। अब समान संख्या वाले दो बहुभुज मान लो ये बन गए हमारे पंचभुज। तो कह रहा है समरूप होते हैं, ये समरूप कब होंगे? यदि उनके संगत कोण बराबर हो। अगर ये 108 है तो ये भी 108, अगर ये 108 है तो ये भी 108, यानी संगत कोण क्या होने चाहिए? बराबर। जैसे हमने बताया था ये 60 60 60 60 सभी हैं, तो ये समरूप होते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे उनके संगत कोण क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। फिर कह रहा तथा उनकी संगत भुजाएं। अब संगत भुजाएं क्या होती हैं? संगत भुजाएं हमने बताया था अनुपात बराबर होता है। अगर ये दो है तो ये चार, अगर है तो ये सभी चार चार हैं, अगर मान लो ये तीन है और ये पाँच है, ठीक, तो इनका अनुपात बना 3/5, ठीक, तो इनका अनुपात हमेशा सम बराबर होगा। जैसे अगर ये तीन है, अगर मान लो ये 10 है तो ये 3 से 10 हुई, या मान लो ये 3 से 6 हुई तो ये 5 से कितना हो जाएगी? 10, तो ये 10 हो जाएगी, ठीक। इसे कहते हैं अनुपात। तो इसे कहते हैं उनकी संगत भुजाएं क्या होती? समान अनुपाती होती हैं, समान पाती होती हैं। निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। तो पहले तो कह रहा समरूप आकृतियों के, तो समरूप आकृतियों के हमने बताया कि उनके कोण क्या होते हैं? समान होते हैं। मान लो एक वृत्त है और एक ये वृत्त है, तो समरूप मतलब देखिए इनका टोटल कोण कितना आ गया? 360 है। और इन समरूप आकृतियों में क्या होता है? इनकी कोण जो होते हैं बराबर होते हैं, और ये जो भुजा होती है अनुपात में होती है। जिसे अनुपात समझ गया, जैसे मान लो अगर इसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है और इसकी त्रिज्या मान लो 6 सेंटीमीटर है, या इसकी मान लो 3 है इसकी 6 है, तो इसका अनुपात कितना बना? देखिए ये 3/6 यानी 1/2, यानी अगर ये 1 है तो ये कितना है? 2। तो अगर इसकी परिधि 340 मीटर मान लो आ गई, 340 कुछ भी मान लो, तो ये आ जाएगी 680, यानी 1/2, यानी ये दूना है, ठीक। तो इसे कहते हैं समरूप आकृति। और यहाँ पर कह रहा है दो भिन्न भिन्न उदाहरण दे दे, तो ये पहला हो गया, और एक अलग उदाहरण दे रहे हैं त्रिभुज में मान लेते हैं समरूप आकृति में। तो जैसे मान लेते हैं समबाहु त्रिभुज हमने बनाया, ये 60 अंश का, ये 60 अंश का, ये 60 अंश का, ठीक, और एक बड़ा त्रिभुज बनाया, और वो भी कोण कितने के? 60 60 और ये 60। तो ये क्या है? समरूप है, क्योंकि इनके कोण बराबर हैं और भुजाएं क्या होती हैं? अनुपात में। अगर ये मान लो 10 है, अगर ये 20 है, तो हर भुजा इसमें उसी अनुपात में है। ये इसका 2 गुना, तो इसका 2 गुना, इसका 2 गुना। अब बात करते हैं ऐसी आकृति जो समरूप नहीं है, तो वो हम कोई भी जिसे मान लेते हैं, अच्छे से समझना, ये है 8 और ये है 6 और ये है, ये आएगी पाइथागोरस प्रमेय से 10। और इसी को अगर हम कोण चेंज कर दें, ठीक, ये 8 ये 6 मान लो कुछ कोण बन गया, तो ये कुछ भी हो सकता है नापने पर, ठीक, कुछ भी हो सकता है। तो अब ये जो है ये समरूप नहीं है, क्योंकि समरूप की परिभाषा ये होती है उनके कोण समान होने चाहिए। तो ऑलरेडी यहाँ पर ही बदल गया, ये 90 है और ये अधिक कोण है, यानी कुछ भी हो सकता है, तो ये क्या है? समरूप नहीं है। अब बात करते हैं इससे आयत, देखिए अच्छे से समझना, ये 5 मान लेते हैं, ये 4 मान लेते हैं, और एक दूसरा आयत बनाते हैं, वो है 6 3,
अब ये दोनों आयत ही हैं, लेकिन क्या ये समरूप है, रूप समान है? नहीं, देखिए कोण तो बराबर है, सभी 90-90 के इसमें हैं और इसमें भी 90-90 के हैं, लेकिन भुजाएं अनुपात में नहीं है। देखिए ये पाँच है, ये छः है, मान लो 5/6, और यहाँ पर देखिए ये 4 है, ये 3 है, अनुपात बदल गया। यहाँ पर ये छोटा था, ये छोटा था, ये बड़ा था, लेकिन यहाँ पर क्या हो, ये बड़ा हो, ये छोटा, यानी उल्टा हो गया, अनुपात क्या हो गया, चेंज हो गया, जबकि अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। ठीक, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं, ये जो चतुर्भुज बना है बताइए समरूप है या नहीं। तो देखिए ये समरूप नहीं है, क्यों? देखिए क्योंकि समरूप की जो परिभाषा होती है तो उसमें क्या होता है, सभी कोण बराबर होते हैं, जबकि यहाँ पर क्या है, ये ऑलरेडी 90-90 हैं और ये 90 नहीं कुछ और है। देखिए ये अधिक कोण है, ये न्यून कोण है, और ये सारे के सारे कोण क्या होते हैं, इस चतुर्भुज के और इस चतुर्भुज के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अगर ये 90-90-90 है तो ये भी सारे 90-90 होना चाहिए, लेकिन इसमें जो दूसरी शर्त है वो सिर्फ लग रही है कि इनकी जो भुजाएं हैं वो वास्तव में अनुपात में, देखिए ये 1.5 है तो ये 3 है, यानी इसका दूना है, तो ये भी 1.5 है, इसका 3 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे भुजाएं, लिखेंगे ये जो चतुर्भुज है, चतुर्भुज समरूप है या नहीं, तो लिखेंगे चतुर्भुज समरूप नहीं है, चतुर्भुज समरूप नहीं है, कारण क्योंकि कोण तो बराबर है, भुजाएं तो अनुपात में है, भुजाएं समान पाती हैं, भुजाएं जो हैं समान पाती हैं, परंतु कोण बराबर या समानुपाती कोण बराबर नहीं है, इसीलिए ये जो चतुर्भुज है वो समरूप नहीं है। एक्सरसाइज 6.1 डाइन। अगर वीडियो कहीं पर भी अच्छा लग जाए तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो हो सके तो सब्सक्राइब कर दें। लाइक सब्सक्राइब करने के लिए आपका प्रेम पूर्वक धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।